नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एरोमा थेरेपी के एक टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक होगा एक्ने के ऊपर, एक्ने यानी मुहासे। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके दागों को कैसे दूर किया जा सकता है और इन मुहासों यानी एक्ने को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और इन्हें कम किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्ने होते क्यों हैं, और एक्ने होने का जो मेन रीज़न है वो है आपकी बॉडी में हो रहे हार्मोनल चेंजेस। जब जैसे जैसे आपकी जो है एज बढ़ती है तो आपके बॉडी में हो रहे हार्मोनल चेंजेस के कारण आपकी स्किन पे धीरे धीरे मुहासे आना चालू हो जाते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तब आपकी बॉडी आपके फेस पे, ठीक है, आपकी स्किन जो है एक प्रोडक्ट रिलीज करना चालू करती है जिसको बोलते हैं सीबम। ये एक टाइप का जो है जस्ट लाइक ए वैक्स की तरह, मोम की तरह एक प्रोडक्ट रिलीज करता है और एक ऑयली टाइप का प्रोडक्ट रिलीज होता है जिससे आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके वो ढक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब वो पोर्स बंद हो जाते हैं उसके बाद जहाँ जहाँ इसका इम्पैक्ट आता है तो आपकी स्किन पे मुहासे होना चालू जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो आपकी बॉडी और आपके फेस पे और स्किन पे मुहासे होना चालू हो जाते हैं। अब इसको कम करने के लिए क्या उपाय हैं, तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए साथ, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों एक्ने को कम करने और इससे निजात पाने के लिए आपको करना क्या है, आपको डेली जो है अगर आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल की 3 से 4 ड्रॉप यूज़ करनी है। कॉटन बॉल के साथ आपने को अपनी स्किन पे लगाना है। ये करेगा क्या कि आपकी स्किन पे जो सीबम का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी जो मैंने ऑयली एंड वैक्सी प्रोडक्ट बताया था, इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है ये उसको कम कर देगा और धीरे धीरे कम करने का ख़त्म कर देगा, जिससे होगा कि आपकी स्किन प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी आपकी स्किन को और आपकी जो स्किन डैमेज हो रही थी इस प्रॉपर सीबम से यानी ऑयल एंड वैक्स से, ठीक है, वो होना हो जाएगी बंद और आपके स्किन पे धीरे धीरे एक्ने के दाग भी कम हो गए इससे और आपके एक्ने भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ये पहला तरीका था। सेकंड तरीका जो ये है कि आपको एक्ने से बचने के लिए सबसे पहले 3 कप पानी लेना है। इसमें आपको एक एक ड्रॉप जो यूज़ करनी है वो थाइम एंड क्लेरी सेज की करनी है, एसेंशियल ऑयल, थाइम एसेंशियल ऑयल एंड क्लेरी सेज आपको एक एक ड्रॉप यूज़ करनी है। अब इससे स्टीम लेनी है आपको 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद आप अपने फेस को धो सकते हैं। अब होता क्या है कि आपका क्लेरी सेज एंड आपका थाइम ये आपकी स्किन को एक तो ग्लो भी प्रोवाइड करेगा और एक्ने से निजात भी देगा और इसके स्पॉट्स से वो भी निजात देगा। आप और स्टीम लेने से क्या होगा कि आपके पोर्स प्रॉपर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको ठंडे टॉवल के साथ जब जो है अपने स्किन को एकदम उसको साफ़ कर लेना है, ठंडे या ठंडे पानी और ठंडे टॉवल के साथ उसको साफ़ कर लेना है ताकि जो पोर्स जो है स्टीम से लेने से ओपन हुए होंगे वो भी प्रॉपरली बंद हो जाएंगे उस टाइम, ठीक है। तो आपको ये सेकंड तरीका भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसको ट्राई करेंगे अगर आप एक्ने से जूझ रहे हैं, और ट्राई करके आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ये नुस्खा जो है आपको कैसा लगा और आपके एक्नों में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो याद रखिए सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा था टी थ्री एसेंशियल ऑयल जिसको आपने अनडाइल्यूटेड यूज़ किया था कॉटन बॉल के साथ। सेकंड आपने यूज़ किया स्टीम के साथ, ठीक है, जो कि आपने यूज़ किया थाइम एंड क्लेरी सेज की एक एक ड्रॉप और 3 कप पानी के साथ स्टीम ली। तो दोनों को आप ट्राई करके बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो 1% भी नॉलेजेबल लगा हो तो दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।